हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के परीक्षा तिथि को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2024 में बीएड करने जा रहे हो, बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पूरा एंड तक देखना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर बीएड को लेकर सारी जानकारी दी जाती है। इसके साथ साथ आपको बीएड प्रवेश परीक्षा की क्लासेस भी हमारे चैनल पर कराई जा रही है डेली शाम 7 बजे। क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि क्लासेस और अपडेट आपको मिलती रहे। तो लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए, क्योंकि हमें समय नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं पेयरिंग वाले, जो बच्चे अभी अपना फाइनल ईयर का एग्जाम में फंसे हुए हैं, वो बीएड एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और परीक्षा भी उनके सर पे आ रहा है बीएड का। तो ऐसे में वो चाह रहे हैं कि बीएड की डेट बढ़ाई जाए, तो पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपका बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े इतने कम समय में, या फिर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है दिन में पढ़ाई करने के लिए, समय नहीं निकाल पाते हैं, आप बहुत बिजी रहते हैं और आपको केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाए पढ़ने के लिए, तो आपके लिए बेहतर है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कुछ ऐसा रेकमेंड करें जिससे हमारा समय और पैसा सब बचे। दोस्तों, हमारे द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार कर दिया गया है। ये नोट्स बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ों पर आधारित है, यानी आपको इसमें कोई भी फालतू चीज़ पढ़ने को नहीं मिलेगा, केवल जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा, टॉपिक वाइज मिल जाएगा, सेलेक्टेड चीज़ें मिल जाएगी और अलग अलग सब मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। जैसे हिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 साल का, ज्योग्राफी का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 साल का, हिंदी का जितना इंपॉर्टेंट, ऐसे ही मैंने सब कुछ केवल सेलेक्टेड चीज़ें यहाँ पर डाली गई है और 10 साल का अलग से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है। और नोट्स की कीमत की बात करें तो नाम मात्र 175 रुपीज़ में कंप्लीट सिलेबस का आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर आपने किताब ले लिया है तो आप किताब बिल्कुल समय बर्बाद होगा और उससे फंसता भी नहीं है। सेलेक्टेड चीजें पढ़िए, इस नोट्स को परचेस कर लो। ऐसा भी नहीं कि 1000-2000 रुपए का है जो आप किताब ले लिए आप इसको नहीं ले पाएंगे, सभी छात्र खरीद सकते हैं, केवल कीमत मात्र 175 रुपीज है। यूपी बीएड, बिहार बीएड, झारखंड बीएड, सभी स्टेट के बीएड एंट्रेंस का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। बस आप नोट्स के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर हमें बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दी जाएगी। तो जो भी लोग इच्छुक हैं अच्छा नंबर लेने के लिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन या सरकारी कॉलेज के लिए, वो इस नोट्स को जरूर पढ़ना भैया, इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले लीजिए। आते हैं खबर पर दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से जो बीएड प्रवेश परीक्षा कंडक्ट कराया जा रहा है यूपी में, उसकी डेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा आवेदन भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा सीट है और यूपी में बाहर के भी स्टूडेंट आ रहे हैं एडमिशन के लिए। ऐसे बिहार वगैरह के भी बहुत सारे छात्रों ने यूपी बीएड एंट्रेंस का फॉर्म भर रखा है। तो बिहार का भी बात करूंगा, पहले मैं यूपी की बात कर लेता हूं दोस्तों। तो यहां पर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म का डेट बढ़ा दिया गया, यानी कि यूपी बीएड एंट्रेंस का फॉर्म जो आया था वो 1 फरवरी को आया था, यानी 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हुआ था और जब 10 फरवरी को फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट किया था तो इसका एग्जाम डेट डिसाइड किया गया था 24 अप्रैल, ठीक है। लेकिन उसके बाद एग्जाम डेट फॉर्म की डेट 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, लेकिन फॉर्म एग्जाम की डेट अभी तक नहीं गई। तो यहां पर छात्रों का यह कहना है कि एग्जाम डेट को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम अप्रैल तक फॉर्म ही भरेंगे, 31 मार्च तक हम फॉर्म भी भरेंगे तो हम परीक्षा की तैयारी कैसे कर पाएंगे। और देखिए, बिल्कुल सच बात है, आपके भी बात कहना सही है। और इस बार क्या, पिछली बार भी 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हुआ था और पहला डेट जो था एग्जाम का वो 24 अप्रैल ही था यूपी बीएड का, लेकिन बाद में जब एग्जाम फॉर्म का डेट बढ़ाया गया था 1 महीना, तो 1 महीना से 1.5 महीना का करीब करीब एग्जाम का भी डेट बढ़ा दिया गया था, यानी 15 जून कर दिया गया था पिछली बार एग्जाम को एग्जाम डेट बढ़ाकर। लेकिन इस बार भैया पता नहीं क्या बात है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय एग्जाम का डेट बढ़ा ही नहीं रहा है। 24 अप्रैल यहां पर डेट अभी भी लिखा हुआ है वेबसाइट पर, लेकिन सामने लिखा हुआ है टेंटेटिव। तो मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा, 31 मार्च जो यहां पर यह लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, ये जैसे ही खत्म होगा उसके तुरंत बाद दोस्तों यहां पर आपका एग्जाम डेट जो है वो नया जारी कर दिया जाएगा। आप ये ना सोचे कि अभी तक तो 31 मार्च भी आने वाला हो गया है लेकिन फॉर्म का एग्जाम का डेट बढ़ा क्यों नहीं रहा है, क्या नहीं बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम का डेट बिल्कुल बढ़ेगा, 31 मार्च तक फॉर्म ही भरा गया है और जहां तक मेरी जानकारी यह है कि अभी और डेट बढ़ाई जाएगी फॉर्म का, क्योंकि पिछली बार भी 2 बार लगातार बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म फिलअप का डेट बढ़ाया गया था बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से, और इस बार हो सकता है एक बार और बढ़ाया जाए अभी फॉर्म का डेट। और इस बार 31 मार्च जैसे ही एंड होगा आपका एग्जाम का डेट भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर टेंटेटिव लिखा गया है। टेंटेटिव का मतलब, टेंटेटिव उसी डेट पर लिखा जाता है जिस डेट को बढ़ाया जाना संभावित हो, कंफर्म नहीं हो कि इसी डेट पे होगा। और जब कंफर्म होता है, जैसे मान लो सीटेट का एग्जाम का डेट आता है, तो वो एग्जाम उसमें कहीं भी आपको टेंटेटिव लिखा नहीं लिखेगा, 7 जुलाई लिखा हुआ है तो 7 जुलाई को ही पेपर होगा। लेकिन जिस एग्जाम के डेट के साथ में टेंटेटिव लिखा रहा होता है वहां पर बदलाव, यानी बदलाव की संभावना अधिक होती है। तो 24 अप्रैल के आगे टेंटेटिव लिखा हुआ है, 31 मार्च जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, उसके बाद आपका एग्जाम का डेट बढ़ जाएगा और ये एग्जाम का डेट जो है वो मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में होगा। तो यूपी के जितने भी
डेट है वो ये मान के चले कि आपका एग्जाम जो डेट है वो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन अभी 24 से पहले डेट की मान के तैयारी करें। इसके साथ साथ बिहार की बात करें तो बिहार का ऑलरेडी एग्जाम का डेट आगे है, 30 मई को बिहार का एग्जाम होने वाला है और इसी के आसपास यूपी बीएड का भी एग्जाम होने वाला है। तो कौन कौन चाहता है कि एग्जाम का डेट बढ़े कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जैसे एग्जाम डेट की नोटिस आती है हम अपने चैनल पर सबसे पहले बताएंगे आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली हमारे चैनल पर शाम 7 बजे क्लास भी चलती है बीएड प्रवेश परीक्षा की, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और नोट्स को परचेज करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर डाल दीजिए कि सर बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। बहुत ही सेलेक्टिव चीजें मिल जाएगी, सरकारी सीट की गारंटी देता हूं इस नोट्स को पढ़ने के बाद में, जरूर आपको गवर्नमेंट सीट या अपने डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाएगा कॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट।